डर गए ऐसे ओ चलो ना हाँ यार निया का हो गया निया डर गई और मैं नहीं डरा क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूँ तो मैं दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ मैं ये कबड्डी शबड्डी खेलता आया हूँ तो अभी देखते हैं और ये कुछ अलग है तो अच्छा है टीवी पे दोबारा आने का मौका है तो मुझे ये नहीं तो समझ आया कि गीता और मनवीर ऑलरेडी है तो हम क्या करने जा रहे हैं आई हैव नो आईडिया हां एक्ट ओके अभी जो लेटेस्ट हुआ है हम स्पेन जा रहे हैं वो अभी टाइम है उसमें तो अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ इज जस्ट स्टार्टिंग और इट द फर्स्ट डे है जो हम मिल रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट मनवीर सेम हियर या सो गुड टू मीट यार ये तो देख के पता लगेगा कि सामने क्या स्टैंड आता है इसने तो रिवील कर दिया है कि उससे डरती है कैसे छिपकली से डरती है हाँ मैं ऐसा कुछ डरता वरता नहीं हूँ लेकिन हाँ हाँ उसकी शक्ल देखिए वो डर के भाग जाएगा अभी हम देख के ही बातें कर रहे थे ऐसा कुछ डर नहीं है और आने दे चीजें सामने पता लगेगा और जानवर से क्या डरना है यार एक सेकंड लगता है हाँ नहीं शेर वेर तो ठीक है डन एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं हमेशा से ये शो करना चाहती थी और नर्वस इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानती कि वहाँ पर कौन से स्टंट्स ऐसे होंगे जो मुझे परफॉर्म करने होंगे और पता नहीं मेरे कुछ फियर्स हैं जो मैं ओवरकम करना चाहती हूँ इस शो के थ्रू सो लिटिल नर्वस एंड एक्साइटेड मैंने पहले तो बहुत सोचा मैं मुझे लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी कि बिकॉज ये वो वाला शो नहीं है जहाँ पे आपको डांस करके निकल जाना है और यू नो रिहर्सल्स चलती रहेगी आपको पता है कि आपको क्या कैसे करना है ये यहाँ पे स्टंट्स होते हैं आपको प्रिपेयर किया जाता है और आपको एक बार परफॉर्म करना है इट्स ओनली वन चांस दैट इज बीन गिवन एंड इट हैज़ टू बी अ बैंग ऑन सो मैं नहीं जानती कि वो कौन सा चीज़ होगी जो मेरे आगे आके खड़ी रहेगी और मुझे लगेगा पता नहीं शायद मैं करूँ ना करूँ डिफ़िकल्ट होगा बहुत एज जो हमारा हैश टैग है पेन इन स्पेन सो लेट्स सी वॉट कम्स माई वे इन स्पेन आई वॉज वेरी हैप्पी जो मुझे पता चला कि फियर फैक्टर इस साल ये सीज़न का स्पेन में हो रहा है स्पेन इज़ वेरी ब्यूटिफुल बट इट्स इक्वली एडवेंचरस और आपने देखा होगा जैसे वहाँ पर बुल फाइट और अंडर वाटर एडवेंचर्स और ये सारे बहुत ज़्यादा होते हैं एंड स्पेन इज़ बेसिकली फेमस फॉर ऑल दोज थिंग्स सो आई थिंक हमारा कॉम्पिटिशन स्पेन में जाके ज़्यादा टफ होने वाला है नर्वसनेस भी है फियर भी है और जैसा कि आपने कहा कि ये फियर फैक्टर है तो जो इस फियर के फैक्टर के साथ डील कर लेता है वो खिलाड़ी बन जाता है तो हमारी भी कोशिश यही है दैट आई हैव अ लॉट ऑफ फियर्स इन टर्म्स ऑफ यू नो फिज़िकल फियर्स आई मतलब वो फिज़िकल चैलेंजेस मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा उठाए नहीं और अब मैं पहली बार उठाने जा रहा हूँ तो आई होप कि इन खतरों के बीच में मैं खिलाड़ी बन के ही वापस आऊँ ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे नहीं लगता है डू यू वांट टू रीफ्रेज योर क्वेश्चन सो आई थिंक यू नो दे इट पुट्स यू इन द मोस्ट फिजिकली चैलेंजिंग स्पेसेस मगर वो फिजिकली चैलेंजिंग स्पेसेस आपके लिए मेंटली भी उतनी चैलेंजिंग होती तो जब आप उस टास्क के लिए हाँ करते हैं जब आप इस शो के लिए हाँ करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा पायदान आप अपनी लाइफ में एक मेंटल स्ट्रेंथ का एक पायदान आप क्रॉस कर लेते हैं आई एम होपिंग दैट दिस चेन रिएक्शन गोज ऑन एंड आई कैन बिकम स्ट्रॉगर मेंटली एंड आई कैन डिलीवर माई सेल्फ यू नो डिलीवर इन द बेस्ट पॉसिबल वे फिजिकली ऑल्सो अगर आपको एक ऐसा शो ऑफर होता है जिसमें फिजिकल चैलेंजेस या यू नो जिसमें फियर का ये लेवल है या इस तरीके के चैलेंजेस हैं फिजिकल चैलेंजेस तो मेरे ख्याल से आपकी फैमिली भी आपको कुछ हद तक डिस्करेज ही करती वो भी यही कहते कि नहीं क्या ज़रूरत है व्हाई यू डूइंग दिस बट ये शो मैं अपने लिए कर रहा हूँ इन द सेंस कि अगर मैं अपने डरों के साथ उनके बीच में ही उनके अंदर ही अपना वो क्या कहते हैं कुएं का मेढक बन के पड़ा रहा और उसी कंफर्ट जोन में पड़ा रहा तो आई विल नॉट बी एबल टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट आई टेक दिस चैलेंज हेड ऑन एंड आई हैव टेकन दिस चैलेंज हेड ऑन सो फियर फैक्टर का सबसे पहला फियर आई थिंक आई हैव क्रॉस दैट अब बाकी